किसानों के लिए नहीं, जनता के लिए नहीं, यह सरकार केवल बड़े कारपोरेट के लिए काम कर रही है। और यह सरकार और इंडिया की चारों तरफ कॉरिडोर जो कि पेरिफेरियल इंग्लिश में बोले जाते हैं, आज मोदी एंड कंपनी देख ले कि यह एक राज्य का जन समूह नहीं है, यह सारे भारतवर्ष की राष्ट्रीय और राज्य सड़कें लिंक रोड ऑल इंडिया का इलेक्शन लड़ना हो ना, आप जिन मजदूरों के घर जो कच्चे पक्के होते हैं, जिनके हम कपड़े देखने के लिए तैयार नहीं, माफ करना, बहुत से मजदूर बहुत साफ है, हमारे से भी साफ है, परंतु जिन मजदूरों के लिए बड़े बड़े चौधरी घर नहीं जाना चाहते ना, इलेक्शन के टाइम उनके पैर पकड़ते हैं। मैं कहना चाहता हूँ आज आप वो ही करो किसान साथियों, ये कल्ला किसानों का आंदोलन नहीं है, किसानों को लड़ना पड़ रहा है, ये 25% किसानों का आंदोलन था, क्योंकि 100% तो अनाज किसान के कानून नहीं तोड़े गए, बल्कि जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किसानों और मजदूरों के हित के लिए, किसानों के हित के लिए पंचवर्षीय योजना थी, जिसमें लिखा था कि 70% कृषि पर पंचवर्षीय योजना में खर्च किया जाएगा। साथियों और मजदूरों को बताओ कि मजदूरों के लिए नए कानून आया, 8 घंटे की बजाय 12 घंटे कारखाने में ड्यूटी देनी पड़ेगी, अगर मजदूर की डेथ होगी कारखाने के मालिक ना इलाज कराने के लिए बाध्य, ना कोई पैसे देते हुए हैं मोदी एंड कंपनी, ये सिर्फ 21 दिन में आ जाएगी। लास्ट में मैं कहूंगा जो 3 काले कानून है, 2 ऑर्डिनेंस है, ये 5 कुदरत ने इनको क्यों बनवाए, क्योंकि इनका अंत नजदीक है, कैसे 4 कानून है जो इनकी इस सरकार की अर्थी बनेंगे, और 5वां कानून बड़े शहरों में हमारे भाई हमारे बंधु गांव नंदगढ़ से युवाओं का लोगों का एक जत्था भारी संख्या में हमारे बीच में पैदल मार्च करके पहुंचा है। जिंदाबाद। तो एक बार जो साथी पैदल 7 किलोमीटर दूर से समस्या से जूझ रहे हैं, उनकी समस्या को पूरा करें, लेकिन सरकार तो अपने आप में ही बैरिकेड लगा करके किसानों को घेरने का काम कर रही है, किले को भी बढ़ा रही है, जो लोकतंत्र व्यापारी भी है, आरती भी है, तहसीलदार भी है, जज भी है, तो उन्होंने इन कानूनों के बारे में जाना और इसके बारे में हमें बताया, और हम जैसे लोग एक एक करके कड़ी के रूप में जुटते गए, आज एक ऐसा कारवां हो गया कि आज पूरे विश्व में भारत का आंदोलन के रूप में नाम आता है कि भारत में आंदोलन हो रहा है, किसानों के साथ जैसी हो रही है। एक रिहाना नाम की सिंगर ने, जिसको हम जानते भी नहीं, 10 करोड़ से ज्यादा लोग उसको फॉलो करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी 6 करोड़ से ऊपर लोग फॉलो नहीं करते ट्विटर पे, तो उस बहन ने ट्वीट जारी किया कि किसानों फलाना दिकड़ा बुकड़ा क्या है उनके पास, हमारा वजूद है, मिट्टी का वजूद है, आज आप दिल्ली जाकर के देखो, किसी का लड़का आता है ये कहता है बाबूजी ट्रैक्टर में मदद करवा दे, जबकि हम अपनी सभ्यता संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जब हम अपनी सभ्यता संस्कृति में नेता तो वैसे राजनीति पार्टी में होते हैं, लेकिन अपने भी नेता हैं, अच्छे किसान नेता हैं, जुझारू हैं, आपने जो अच्छी अच्छी बातें कही उन्हीं बातों में एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं कि एक चीज की गांठ बांध लें कि दिल्ली में हमारे जो भाई बैठे हक
कली एट केस काम दी, कली एट केस काम दी, होके कठिया मकान बन जांदा, कला तिला कुछ ना करे कर देंदा इस फाया मांजा। जेड़ा आज निखड़ गया, जेड़ा आज निखड़ गया, ओनू रगड़े पैन गए सैने, एक मोट हो जो साथियो हक अपने सामने लेने, एक मोट हो जो साथियो असी हाँ किसान आदमी, असी हाँ किसान आदमी, एट सब दा परी असी जानते, जे आज खेत खोस गए, जे आज खेत खोस गए, पिछो रहोगे पछताउंदे, कठे होण हो जो वीरियो, कठे होण हो जो वीरियो, एवें लगे आना किसे